अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया आप SCB को कैसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप में से कुछ लोगों ने आफ्टर इंस्टॉलेशन रन टाइम पर एक एरर को फेस किया जिसका नाम है वर्चुअल मशीन डिटेक्टिंग एरर। अपनी इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस एरर। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अपने पहले स्टेप में सबसे पहले आपने इस PC को ओपन कर लेना है और अपने विंडोज वाली डिस्क को भी ओपन कर लेना है जो कि मोस्ट केसेस में सी डिस्क होती है। अपने नेक्स्ट स्टेप में आपने प्रोग्रामिंग फाइल्स के फोल्डर के अंदर जाना है और वहां पर आपने सेफ एग्जाम ब्राउजर के फोल्डर को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने कॉन्फ़िगरेशन नाम के एक फोल्डर के अंदर चले जाना है। इस फोल्डर के अंदर SCB कॉन्फ़िग टूल नाम की एक फाइल होगी, आपने उसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी जिस पर ऊपर की तरफ आपको बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे होंगे। आपने सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने इग्नोर SCV सर्विस को अनचेक करना है और यहाँ डाउन में अलाउ टू रन इनसाइड वर्चुअल मशीन को चेक कर लेना है। फिर आपने कॉन्फ़िग फाइल वाले टैब पर मूव कर जाना है और वहाँ पर सेव सेटिंग वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप SCV को इजीली अपने PC या लैपटॉप में रन कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।